हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एफकेट की तैयारी 10 दिन में कैसे की जाए। आज दोस्तों 15 तारीख है, 15 फरवरी, और एफकेट का एग्ज़ाम 26 तारीख को होना है। तो आपके पास 11 दिन का भी टाइम बचा है और 12वें दिन आपका पेपर है। सॉरी, 12 दिन है क्योंकि आज का दिन भी पूरा ही है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि 10 से लेकर 12 दिन में आप एफकेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो तरह के लोगों के लिए बात करूंगा। ठीक है, एक तो वो लोग हैं जिन्होंने तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी, जैसे 2-3 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी और इस टाइम तक उनकी प्रेपरेशन अच्छी हो चुकी है। ठीक है, और एक वो लोग हैं जिन्होंने मतलब फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन तैयारी नहीं कर पाए हो किसी रीजन से, हो सकता है, या फिर मौज मस्ती में रहे हो, मतलब तैयारी नहीं कर पाए मतलब। ठीक है, इसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, हाँ चल रहा है मतलब जिनकी स्टडीज, और एक बिल्कुल वो जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा है। ठीक है, तो ये वीडियो वीडियो तीनों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें आपको मैं स्टडी मटेरियल वगैरह भी आपके को बताऊँगा कहाँ मिलेगा आपको, कैसे क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो जिन बच्चों ने अच्छी तरह से तैयारी की है, फुली प्रिपेयर्ड है, जो उनके लिए उनके लिए क्या क्या टिप्स हैं अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपका क्या करना है, क्योंकि आपका सिलेबस तो पूरा हो ही चुका है। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं जितने ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, 4 मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक में आपको उसका कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और भी काफ़ी लिंक्स मैं दिखाऊँगा आपको, वहाँ पर जाके वो सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना फ़ायदा है, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर आपको करने हैं। ठीक है, 4 प्रीवियस ईयर पेपर कमेंट बॉक्स में लिंक में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए विद आंसर की है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जरूर कीजिएगा एटलीस्ट 4 पेपर, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने 4 प्रैक्टिस पेपर कर लिए हैं तो ज़्यादा नहीं, अगर 5 क्वेश्चन उनसे आ जाते हैं कोई भी तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 15 नंबर। ठीक है ना, ये देखिए आंसर की किस्मत आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, उसके बाद एग्ज़ाम दिया, मार्क्स आपको पता चल जाएंगे आंसर किसे मिला के। उसके बाद ये देखिए आप गलती कहाँ कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि आपने पढ़ा काफ़ी है लेकिन फिर भी आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रीजनिंग में कोई मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टॉपिक को दोबारा करिए, थोड़ा सा मतलब रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि बिना रिविज़न के आप पेपर में अगर जाओगे तो उस पढ़े लिखे जो भी आपने पढ़ा है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फोकस करना है उस पार्ट पे जिसमें आपको कमी लगती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको लगता है कि मैथ की मेरी अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, ठीक है, जिन जिन चैप्टर में आपको कन्फ्यूज़न है या आपने सही से नहीं पढ़ पाए हो तो उन चैप्टर को आप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है दोस्तों। ठीक है, ये सबके लिए है, चाहे तैयारी की हो चाहे नहीं की हो या बीच में चल रही हो। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको रीजनिंग सेक्शन उठाना है। ठीक है, उसके बाद मैथ, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद GS। ठीक है, वो बताता हूँ क्यों। ठीक है, तो रीजनिंग सेक्शन इसलिए उठाना है दोस्तों, देखो रीजनिंग में होते हैं 2 टाइप के क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, 40 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ठीक है ना, और ये होते हैं 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। तो अगर आप रीजनिंग रीजनिंग भी करते हो, मान लो अच्छे से, मान लो 40 में से 35 क्वेश्चन भी अगर बिल्कुल सही करते हो आप, तो भी काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाएगा आपका, है ना। उसके बाद जो बाकी 60 क्वेश्चन का जो ये पेपर बचता है, इसमें से आप किसी पार्ट में अगर लूज भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 40 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते, इनके आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, टॉपिक का नाम आपको इस वीडियो से मिल जाएगा, दिखाता हूँ आपको। आपको यूट्यूब पे जाना है और FCAT 5 लिखना है। ठीक है, FCAT 5 लिखना है, उसके बाद FCAT 5 जब लिखोगे, ये देखिए FCAT/5 लिख दीजिए, Simple 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली वीडियो आ जाएगी, FCAT Exam Books and Strategy। ठीक है, तो इसमें जब आप वीडियो में खोल इस वीडियो को आप जब आप खोलोगे तो उसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं कि ये चैप्टर करने हैं ना, तो आप उस हिसाब से उन चैप्टर का नाम आप गूगल में टाइप कीजिए और वहाँ से आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके बाद मैथ में भी सेम प्रोसीजर ये है, मैथ में आपकी तो खैर प्रैक्टिस काफ़ी होगी होगी, मतलब मॉक टेस्ट देते रहना, मॉक से क्या होगा, जितने ज़्यादा मॉक दोगे ना आपको उतना फ़ायदा है। ठीक है, सेम इंग्लिश का और सेम GS का है। ठीक है, GS में अगर आपने तैयारी नहीं की है, मान लीजिए बिल मतलब अगर की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो उसका सोल्यूशन भी मैं आखिरी में बताता हूँ दूसरे बच्चों के साथ। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की है, इनकी तैयारी सही से चल रही है, मतलब पढ़ा है काफ़ी, 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं, उनके लिए थी। अब मैं बात करूंगा जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, कुछ भी तैयारी नहीं की है, या जो बीच में चल रहे हैं, मतलब अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई, ठीक है, नथिंग प्रिपेयर, और जिन्होंने थोड़ा बहुत तैयारी की है, ठीक है। देखिए दोस्तों, चिंता करने की कोई बात है नहीं, क्योंकि देखो चिंता करने की बात तब होती है जब हमने कुछ पढ़ा हो, ठीक है। अगर पढ़ लेते हैं ज़्यादा तब टेंशन हो जाती है कि ये रह गया वो रह गया, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम फिर भी इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश कुछ नहीं होती दोस्तों, ठीक है, या तो हम करेंगे या तो होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन हम करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी है, जितना होगा देखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको अपनी तरफ से जो जो बातें बताई जाएँ वो आप उन पे फॉलो कीजिए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप 1 घंटे के अंदर अंदर जब ये वीडियो देख ले, उसके बाद अपना सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होता है, लास्ट वाले दिन एक दिन ऐसे ही ख़राब हो जाता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, ऐसे है ना। तो अपना डाउनलोड करके निकाल के रखिए, अपना सीधा पेपर दे के आना, ठीक है। अब देखिए इसमें दोस्तों 5 पार्ट है, ठीक है, इंग्लिश, GS, क्वांट्स, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। हर पार्ट है जो वो 60 मार्क्स का है, 300 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मतलब जैसे इंग्लिश है 60 नंबर की है, GS 60 नंबर की, क्वांट 60 नंबर का, वर्बल 60 और नॉन वर्बल भी 60 नंबर मार्क्स का। मतलब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पे प्लीज़ जो ज्ञानी लोग हैं वो प्लीज़ अपने कमेंट को थोड़ा ध्यान से करिएगा। पिछली वीडियो में देखा था मैंने, काफ़ी अजीब अजीब से कमेंट कर रहे थे बच्चे। दोस्तों हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, ना कि हमारा मेरिट में आना, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि 150 नंबर लेके तो हम मेरिट में नहीं आ पाएंगे, अरे भाई पहले एग्ज़ाम तो क्लियर कर लो। कभी आप मेरिट के चक्कर में 180, 200, 300, 250 नंबर लेने के चक्कर में लगाते जाओ, फिर पता लगे नेगेटिव मार्किंग होगी आपके वहाँ से और गया पानी में सिस्टम, ठीक है, ऐसा मत करना। आपको जितना क्वेश्चन आते हैं ना वही कीजिए, ठीक है। अगर आप 60 के अराउंड अगर आप अगर ठीक कर देते हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चनों के पीछे मत भागिए, ठीक है, उस वो वाली बात है, थोड़ा कीजिए अच्छा कीजिए, ठीक है ना। तो आपको 150 मार्क्स आपको लाने हैं, इससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम में सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब पेपर क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना, SSB के लिए कॉल नहीं आएगा। तो आपको 150 मार्क्स लाने हैं, तो इसका मतलब क्या है, मतलब 50 क्वेश्चन के अराउंड आपको ठीक करने हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से दोस्तों आधे क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है, रीजनिंग नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, ठीक है। 40 क्वेश्चन यानी कि 120 नंबर, 150 में से 120 नंबर आपके रीजनिंग से ही आ सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे आसान सेक्शन होता है, इतना कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, ठीक है। इसका सेम वही है, ये वाली वीडियो देख लीजिए, इसमें चैप्टर दिए हुए हैं मैंने, कौन कौन से एनालॉजी है, सीरीज है, क्लासिफिकेशन वगैरह है, तो उस टाइप से आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए एक सोल्यूशन और है आपके पास, आपके लिए, अगर आपको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए अगर आपको वेबसाइट नहीं मिले कोई, तो आप इस वेबसाइट से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, indiabigs.com, ठीक है दोस्तों। ठीक है, indiabigs.com आपको खोल के भी दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। चलिए वापस चलते हैं, ठीक है। ये indiabigs.com पे आपको जाना है, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में आप GK की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और रीजनिंग की भी कर सकते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की भी कर सकते हैं, हर चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश की शायद इस पे नहीं है, ठीक है, इंग्लिश का देखना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों ये आपकी खुल जाएगी indiabigs.com, ठीक है, ये लिखा हुआ है indiabigs.com, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए क्वांटिटी जनरल एप्टीट्यूड की कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और ये सब है ना, उसके बाद एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी टेस्ट, ये इधर देख लीजिए, और जैसे बेसिक जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इन्वेंशन, वर्ड ज्योग्राफी वगैरह, ये आप सब देख लेना, ठीक है। ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, इसमें से आप पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद इधर से आपका रीजनिंग वाला सेक्शन हो जाएगा कवर, ठीक है। 40 मार्क्स हैं, आपको जितने सही से आते हैं उतने ही करने हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग प्लीज़ मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, आपका मार्क्स कट जाएंगे उससे, ठीक है, सॉरी। उसके बाद सिलेबस आपको वहाँ से देख लेना है, FCAT की जो वीडियो बताई थी मैंने आप लोगों को, ये वाली, इस वाली वीडियो से, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों, हाँ ये लिखा हुआ है, FCAT 5 टाइप करना है यूट्यूब सर्च में, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगी, उससे सिलेबस देख लेना, लिख लेने के बाद ठीक है। उसके बाद मैथ का चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ऑनलाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइम एंड वर्क है, ठीक है, 4-5 चैप्टर मैंने उस वीडियो में बताया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो तो बिल्कुल मत छोड़ना। 20 क्वेश्चन में से करीबन 10 क्वेश्चन तो सीधा 2-3 चैप्टर से ही आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क से 3-4 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब 3-4 चैप्टर तो आप बिल्कुल मत छोड़ना। इसके लिए आप ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके लिए बुक भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, मैं वो दिखाता हूँ कहाँ पे मिलेगी आपको। उसके बाद इंग्लिश में आपको दोस्तों एंटोनियम और सिनोनियम नहीं छोड़ने बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि करीबन करीबन 8 से लेकर 10 एंटोनियम सिनोनियम आपके पेपर में आते हैं 20 20 में से, ठीक है। 8 नहीं आएंगे तो 6 तो मिनिमम आएंगे, 3 एंटोनियम 3 सिनोनियम, ठीक है, 6 6 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से नहीं छोड़ने हैं। उसके बाद जो है हमारे एक पैराग्राफ आएगा आपके आपके लिए, ठीक है ना, पैराग्राफ करना है, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। तो मतलब इंग्लिश वाले सेक्शन को ना आप ज़्यादा, मतलब अगर तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करना आप इंग्लिश में 7-8 क्वेश्चन तो कम से कम अटैम्प्ट कर ही लो 20 में से, ठीक है। गलत मत करना, बिल्कुल छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत मत करना, रिक्वेस्ट है, ठीक है। गलत से क्या होगा, गलत करोगे ना आप, नेगेटिव मार्किंग में स्कोर आपका जाएगा, कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। तो इसमें 7 से 8 का भी अगर आपके आते हैं तो काफ़ी सही स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 40 आपके क्वेश्चन यहाँ से आपको अटैम्प्ट करने हैं, 7-8 यहाँ से करने हैं, 40 में से ज़्यादा नहीं, आप कम से कम 30 के ऊपर तो ला ही सकते हैं, 30 क्वेश्चन मिनिमम 30 तो चाहिए यार, 30-32 तक तो आराम से हो जाते हैं, बहुत आसान होता है ना। उसके बाद मैथ में भी आप 7-8 10 क्वेश्चन तक कर सकते हो, इधर से 7-8 हो, ठीक है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट आता है ना सेक्शन, वो आता है जीके। जीके में दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से अब आपने जैसे तैयारी हमारी बिल्कुल ही कम है, जैसे 10 ही दिन बचे, तो हम इतना टाइम कैसे इन्वेस्ट करें जीके में। तो आप दोस्तों देखो, हिस्ट्री वगैरह में जाओगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी में, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका भी एक सोल्यूशन बता देता हूँ मैं आपको, सिर्फ क्या करना है, पॉलिटी पढ़ना है और डिफेंस की न्यूज़ पढ़ना है, ठीक है। डिफेंस में भी सीधा सीधा 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मिसाइल पूछ लेंगे, कोई भी चीज़, जैसे नेवी में क्या ऐड हुआ है नया, एयरफोर्स में क्या ऐड हुआ है, जैसे अभी आर्मी चीफ बदले हैं, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है डिफेंस के। इस बार 3-4 क्वेश्चन बनने की उम्मीदें हैं। और पॉलिटी से दोस्तों बहुत छोटा सा वो है, एक PDF है, उसमें सब दे रखा है, ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ मैं 1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद डिफेंस का भी PDF मैंने डाला है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2016 में क्या क्या हुआ था, वो सब आप उससे देख लेना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं दोस्तों जितना हो सके, ठीक है। 4 प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं उनका, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अब दोस्तों जो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा ना, उसमें ये बताता हूँ आपको है क्या क्या और कैसे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कोई भी वीडियो है, जैसे उसके कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जो वो लिंक है वो इस फोल्डर का है दोस्तों, जो ये गूगल ड्राइव पे कैपकट के लिए फोल्डर बनाया मैंने, ठीक है, तो इसके लिए है वो। 1 सेकेंड, खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। ये देखिए, ये है दोस्तों, ये फोल्डर है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ से एंटोनियम सिनोनियम कर सकते हो दोस्तों आप इस वाले से, ठीक है। 501 एंटोनियम सिनोनियम क्वेश्चन दिए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से देख लेना आप, ठीक है। ये वाला जो PDF है ये डिफेंस से रिलेटेड है दोस्तों, डिफेंस की जो भी जनवरी से दिसंबर तक जो जो हुआ था ना इंडिया में, मतलब कुछ भी हुआ था वो सब इसमें है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी। उसके बाद दिशा के एंटोनियम सिनोनियम है ये दोनों, ठीक है, ये तो कर ही लीजिएगा आप, या तो ये वाले कर लीजिए 501 है, या ये दोनों कर लेना एंटोनियम सिनोनियम, ठीक है, जो सा आपको मन करे वो कर लेना देख के। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक है दोस्तों ये, ठीक है, PDF है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ की बुक है, अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते, अगर मैथ की बुक से पढ़ना चाहते तो ये है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों, ठीक है, ये देख लेना आप, वर्बल नॉन वर्बल के लिए दोस्तों ये है, रीजनिंग के लिए, ठीक है। और एक ये भी है, इसमें भी है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। और ये वाला जो PDF है ना दोस्तों, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये GK का PDF है, ठीक है, और दिखाता हूँ आपको 1 सेकेंड।
इतना वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको एरेबिक्स पे, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपको नॉन वर्बल रीजनिंग करनी है, ठीक है? तो इसमें अलग अलग टॉपिक आ जाएंगे कि भाई आप कौन से उससे नॉन वर्बल रीजनिंग करना चाहते हैं, ठीक है? जैसे रूल डिटेक्शन का हमारा क्वेश्चन आता है ऐसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपको ये करने पड़ेंगे, ये देखिए, ठीक है ना? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको रूल डिटेक्शन को इसमें से कर सकते हो। इसमें एक चीज़ और फैसिलिटी है दोस्तों, आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो, पता है? देखिए कहता हूँ आपको, ये देखिए ऑनलाइन टेस्ट है, जनरल ऑनलाइन टेस्ट, इंजीनियरिंग ऑनलाइन टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट, जनरल जैसे आपको नॉन वर्बल का देना है, ठीक है? इस पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद लेटेस्ट टेस्ट कुछ भी कर दीजिए, इनमें से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद टाइमिंग भी आएगा इसमें, सब आएगा, नेगेटिव मार्किंग स्कोर अच्छे से बताता है पूरा, ठीक है? इस टाइप का कुछ होगा, ठीक है दोस्तों? देखिए इससे प्रैक्टिस करना आप, काफ़ी अच्छा रहेगा आपको, ठीक है? और ऊपर कोने में यहाँ टाइम भी चलता है इसका, कितना टाइम हो गया, ठीक है ना? ये सब आएंगे दोस्तों। उसके बाद जो ये वाला PDF है ना, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GK का है, थोड़ा खुलने में टाइम लेगा इसमें, ठीक है? तो ये वाला आप इधर से देख लेना है, जो ये है, ये ऑनलाइन वाला, ठीक है ना? इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी दोस्तों, GK की भी हो जाएगी, GK के भी क्वेश्चन इसमें काफ़ी हैं, ठीक है? उसके बाद GK का दिखाता हूँ आपको सेक्शन, एक सेकेंड, ठीक है? फॉर एग्जांपल GK में हमें देखना है, हमें करना है पॉलिटी करना है, ठीक है? पॉलिटी कहाँ है, ये रहा इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है? ये खुल गया दोस्तों, पहले पॉलिटी दिखा देता हूँ, ठीक है? ये देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, ठीक है? किसके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद मेंबर ऑफ पंचायत आर द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटिशन इज वेस्टेड इन द प्रेजेंट लोकसभा, एज कौन से वाली है, ठीक है? उसके बाद इस पर क्लिक करोगे ना आप, तो ये साथ के साथ आंसर भी बता देगा, ठीक है? इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है ना? और हाँ ये, ठीक है ऐसे, ठीक है ना? चलिए अब इस वाली चलते हैं दोस्तों। ये GK का PDF है, 68 पेजेस का है टोटल, ठीक है? 68 में से इन्होंने क्या किया है, हमारा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री कवर करता है, ये हमारा हिस्ट्री है, कहाँ गया, यहाँ तक है दोस्तों हिस्ट्री, ठीक है? 40 पेज, मतलब 68, 70 पेज में से 40 पेज हिस्ट्री के हैं, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है हिस्ट्री में, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो सारी पढ़ सकते हो, 70 पेज कोई ज़्यादा नहीं है पढ़ने के लिए, 20 में से कम भी ज़्यादा नहीं कहूँगा, 10 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इससे, आ जाएंगे 10, नहीं तो 5 तो बिल्कुल पक्के ही हैं। 70 पेज पढ़ के 15 नंबर आए तो कोई ज़्यादा दुख की बात भी नहीं है, ठीक है? पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ने हो तो उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अगर आप सारे नहीं पढ़ सकते ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री जरूर पढ़ लीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री मतलब 28 पेज के बाद बाद वाले, ठीक है ना? क्योंकि क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है? जो मेडिवल है उससे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंशंट से भी आ जाता है, लेकिन नहीं पढ़ने का मन है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद पॉलिटी यहाँ से पढ़ना है दोस्तों आपको, बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी शॉर्ट PDF है, अच्छे हैं, ठीक है? यहाँ से आपको जो फोकस देना हो, किस किस पे देना है, फंडामेंटल राइट पे देना है, ठीक है? सिटीजनशिप पे देना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये देखिए पता है आपको, एक पेज पे ये देखिए प्रेसिडेंट का एक पेज पे ही है सब कुछ, जितना भी है, वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब एक पेज पे हैं, ठीक है ना? तो शॉर्ट नोट है काफ़ी, बहुत अच्छे हैं, आप ढंग से इसे देख लेना, ठीक है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, सब कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है इसमें, फालतू का कुछ भी नहीं है। ज्योग्राफी देख लेना, अर्थ वगैरह के बारे में पढ़ लेना, ठीक है? इधर से उसके बाद ये रिवर वगैरह, मतलब सारा हो जाएगा आपका इसमें कवर, ठीक है? सॉइल वॉइल जो भी है। इसके अलावा दोस्तों एक ये है इसमें, ये जरूर देखना, डिफेंस वाला, इससे पढ़ लेना आप डिफेंस वाले से, ठीक है? ये अभी 51 पेजेस हैं, आप जुलाई के बाद वाले पढ़ना, क्योंकि उससे पहले का शायद नहीं आएगा पेपर में, ठीक है? जुलाई के बाद वाला पढ़ना है, देखिए मंथ वाइज दे रखा है, जैसे इसमें जनवरी लिखा हुआ है ना यहाँ, ऐसे मंथ वाइज दे रखा है, जुलाई से लेकर दिसंबर का पढ़ लेना, ठीक है? ये सब है दोस्तों इंपॉर्टेंट, और इसमें और कुछ मतलब काफ़ी सारे PDF है जो भी हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट के लिए दोस्तों ये देखिए फोल्डर ऊपर है, यहाँ से क्लिक कर लेना, खोल लेने से मॉक टेस्ट है दोस्तों इसमें दोस्तों ये देखिए FCAT का सिलेबस भी दे रखा है, ठीक है? और जो ABCD जो ये वाले हैं, ये मॉक टेस्ट है 4, ठीक है? FCAT के मॉक टेस्ट हैं।
उसके बाद जो इसके आंसर है वो ये वाले हैं, जितने भी आंसर ये लिखा हुआ है ना, आंसर सीरीज ए बी सी डी। उसके बाद ये ई के टी है दोस्तों, दो मैकेनिकल की, ई और एफ, ठीक है। तो ये ई के टी ई और एफ का ये वो है, ठीक है। और ये ई के टी का सिलेबस ये देख लेना आपको दोस्तों, ठीक है। अगर और कुछ आपको इसमें हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, कोई और स्टडी मटेरियल वगैरह की जरूरत हो तो। और वीडियोस वगैरह देख के अच्छे से तैयारी कर लीजिए, 15 दिन सॉरी 10 दिन का टाइम है, हो सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 150 नंबर लाना, 50 क्वेश्चन ठीक करने, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना बस, मतलब हार हिम्मत मत हारो, हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से पेपर देना है और ध्यान रखना है, ठीक है। आपका टारगेट 150 होना चाहिए मिनिमम, इतने तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। और वो सब बाद की बातें हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारा एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं होता, तो हम ये सोचते हैं यार कम लगाता तो शायद हो ही जाता है ना। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल मत करना, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। ऐसे वीडियो और भी काफ़ी बना के लाता रहता हूँ यहाँ से। ये जो बटन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इस बटन से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ से। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों जो ये बेल वाला दिख रहा है ना आपको, ये इस वाले बटन पे आप क्लिक कर देना, तो ये आपसे पूछेगा कि नोटिफिकेशन, तो इस पर क्लिक करना, सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को हमारे को, और कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई भी सजेशन है, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको किसी भी रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड, उसके बाद कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत करूँगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।